अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। वेल्थ स्टेटमेंट की कंप्लीट वर्किंग आपको इस वीडियो में मैं करके दिखाऊंगा। ये वेल्थ स्टेटमेंट सबके लिए है। अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट को कंप्लीट समझना चाहते हो, इसकी पूरी साइंस समझना चाहते हो, आप रेजिडेंट हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, आप सैलरी पर्सन हो, आप बिजनेस पर्सन हो, व्हाट सो एवर, ये वेल्थ स्टेटमेंट सबके लिए है। ये मैं कंप्रीहेंसिव इसलिए आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ किसी रिटर्न की, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरी वेल्थ स्टेटमेंट साथ बन आपको मतलब उसमें सारी चीजें डिस्कस करूं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाती है। तो दैट्स वाई ये वेल्थ स्टेटमेंट की कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आपका दिल करे सीखने का, वेल्थ स्टेटमेंट को समझने का, तो आप इसको देख सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन में से आके आप कोई भी फॉर्म ओपन कर लें, नॉर्मल कर लें, सैलरी कर लें, वेल्थ स्टेटमेंट तो सबकी सेम होती है। जिस भी साल की आप फाइल करो, ठीक है, मतलब जिस भी साल की रिटर्न फाइल करोगे, वेल्थ स्टेटमेंट सबकी सेम है, वो कोई डिफरेंट नहीं है, सबका फॉर्म सेम है। पहले ये अलग होती थी, 2017-18 तक अलग फॉर्म होता था, अब उन्होंने एक ही फॉर्म कर दिया। अच्छा, इसके बीच में सबसे पहले ना रिकंसिलेशन में, यहाँ पे आपने जब वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, तो आपने सबसे पहले अपनी जो इनकम है ना, वो रिटर्न से यहाँ पे लेके आनी है। जो नॉर्मल में होगी इनकम वो इधर आएगी, जो फाइनल टैक्स में होगी, जब मैं अपनी रिटर्न फाइल आपको करके दिखा रहा होता हूँ कि ये फाइनल टैक्स में आएगी, तो वो इधर आती है, जो एग्जेम्प्ट होती है वो इधर आती है, लिखा भी हुआ है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, फाइनल टैक्स, ठीक है। ये जब आप रिटर्न की वर्किंग करोगे, तो ये तीन फिगर्स रिटर्न से यहाँ पे आएंगे। ये सिर्फ तीन फिगर जो है वो यहाँ से कंप्यूटेशन से आती है, रिटर्न से। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको करके दिखाता हूँ, ओके। तो अभी आपने बस ये देखना है कि ये तीन फिगर रिटर्न की, या बाकी सारी फिगर्स आपने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आप आज आ जाए एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की बात करें, तो आप यहाँ पे एक लमसम फिगर डाल दें, ये इनफ है। आपको ज्यादा इसमें तगो तो करने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक रुपया लिखें, बस एक लमसम फिगर पूरे साल की डाल दें आप अपने जो है ना वो इनकम के हिसाब से। फर्ज की आपकी इनकम पूरे साल की 20 लाख है, तो आप 5-6 लाख, 7 लाख डाल दें। आपकी इनकम 50 लाख है, तो आप इसको बढ़ा दें। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया है ज्यादा, आना जाना बाहर ज्यादा हुआ है, तो इसको ज्यादा कर दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो एक्सपेंसेस है ना, उनको इतना ज्यादा ना कीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि व्हाइट मनी जो होती है वो कम होती रहती है। ये आपके हो गए एक्सपेंसेस। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके एसेट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एसेट्स में आपने जब भी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है ना, चाहे फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, चाहे आप पहले भी फाइल करते रहे हो, आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपकी कोई चीज इसमें स्किप ना हो। अगर आपने पहले फाइलिंग कर दी है, अब आपको याद आया कि यार मेरी तो दो प्रॉपर्टियां रह गई है जो मैंने ऐड नहीं की थी, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी प्रीवियस वेल्थ स्टेटमेंट सारी रिवाइज करो और पीछे से अपनी वेल्थ को यहाँ पे आगे ठीक तरह से लेके आओ। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और जिस ईयर की आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, 30 जून जैसे ये 2023 है, तो 30 जून वाले दिन अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड करोगे। अगर 2022 की वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, तो 30 जून 2022 की जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल आएगी। मतलब कि ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है, ये इसको शो करेगी कि 30 जून वाले दिन आपके पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी। कौन सा 30 जून होगा? जिस साल की आप रिटर्न फाइल करोगे 2021 की, तो 30 जून 2021 होगा। 30 जून दो अगर 2022 की करोगे, तो 30 जून 2022 की जो डिटेल होगी वो देनी है। अब आपने प्रॉपर्टी अगर एग्रीकल्चर है आपके पास, इस डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो यहाँ पे जस्ट आपने उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है, कोई भी एड्रेस जो भी उसका है, मटेरियल सा, ठीक है, कितने एकड़ जमीन है, आप एरिया बताएंगे उसका एग्रीकल्चर में, ठीक है, और जो भी जिस सिटी के अंदर भी है आप उसका बता सकते हो कि किस सिटी के आसपास है, आप एड्रेस कंप्लीट उसका लिख दोगे। अब जितने की आपने ली हुई है, आप वो वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे जिसका एग्रीमेंट आपने किया है। आपने रजिस्ट्री वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखनी, रजिस्ट्री वैल्यू उस सूरत में आएगी अगर एग्रीमेंट भी रजिस्ट्री वैल्यू का आपके पास मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट की वैल्यू आएगी। इसी तरह आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, ठीक है, कमर्शियल है, तो वो यहाँ पे आपने उसको ऐड कर लेना है। और अगर ड्यूरिंग द पीरियड आपने किसी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन की है, तो आप उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दोगे। जैसे ये प्रॉपर्टी मैंने पहले ऐड की हुई थी, अब मैं कहता हूँ उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया, तो मैं इसकी वैल्यू 3 मिलियन कर देता हूँ। मतलब कंस्ट्रक्शन जब आप करोगे, तो उसकी एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, आपने उसको एक्सपेंस में नहीं लिखना जहाँ पे हमने पर्सनल एक्सपेंस लिखे। उसके बाद बिजनेस कैपिटल है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये मैंने बिजनेस वाली वीडियो में बताया है कि बिजनेस कैपिटल यहाँ पे आपने ऐड करना होता है, ठीक है, वो मैंने बिजनेस वाली वीडियो में डिटेल से बताया। इसके अलावा इक्विपमेंट जो है नॉन बिजनेस, इसको अगर लिखना है तो लिख दें। आपके पास घर में कोई नॉन बिजनेस इक्विपमेंट में नॉर्मली जो है ना एक्सरसाइज की मशीन आ जाती है, ठीक है, अपने घर में कोई जिम बनाया हुआ वो आ जाता है, लैपटॉप्स आ जाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास 1 मिलियन के जो है वो नॉन बिजनेस इक्विपमेंट पड़े हुए, ये नॉन बिजनेस है, फिर उन्होंने लिखा भी हुआ है, आपने भी ध्यान रखना है ये बिजनेस नहीं है, नॉन बिजनेस है। अब इसी तरह ये जो इन्वेस्टमेंट्स आपके एनिमल है, सॉरी, अब एनिमल जो है ना, अगर आपने एनिमल्स रखे हुए हैं, तो एनिमल्स यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेरे पास इतने एनिमल्स हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 लाख के। अच्छा, उसके बाद ये आपकी टोटल, अब ये जो है ना, इसके बीच में ये देखें, ये मैं डिलीट करके आपको दिखा भी देता हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम भी फाइल करोगे तो ऐसे ही होगा, आपने इसको साथ साथ कैलकुलेट करते रहना, ठीक है।
अच्छा अब ये देखें, ये ना इस इन्वेस्टमेंट में ये नॉन बिजनेस है, इसमें आपने बिजनेस वाला बैंक अकाउंट नहीं लिखना जिसका टाइटल आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट हो, ये आपका पर्सनल है। तो अब इसके बीच में आपकी बैंक का बैलेंस भी इधर ही आएगा, आपकी स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल वो भी इधर आएगा, म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इधर आएगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, आपने जिस भी बैंक में अकाउंट है आपका उसका अकाउंट नंबर लिखना है और इसको ऐड कर देना, जो 30 जून का बैलेंस था वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। इसी तरह अगर आपका आपके पास स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शेयर इन लिस्टेड कंपनीज, सिंपल। अब वन बाय वन एक एक कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने वो लिखनी है जो कि आपका कैपिटल है, आप म्यूचुअल फंड में है, स्टॉक मार्केट में है, ये इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है, कम होती रहती है एज पर मार्केट वैल्यू। तो आपने उसको नहीं देखना, आपने देखना है कि आपके प्रोफाइल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है आपने वो यहाँ पे लिखनी है, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करना है, इसको चेंज नहीं करना आपने। हाँ अगर आप इसको सेल करते हो तो फिर ये डिलीट हो जाएगी, अगर आप इसको पिछले साल 1 मिलियन थी, इस साल आपने 5 लाख और की परचेज की है तो इसको 15 लाख कर दें, मतलब ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये मार्केट वैल्यू नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। और ना ही इसको आपने हर साल चेंज करना है कि ये मार्केट उनके ऊपर चली गई है तो मैं इसको बढ़ा दूं, नीचे चली गई है तो कम कर दूं, ऐसे नहीं करना। ये सिर्फ कम या ज्यादा उसी वक्त होगी जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट और ऐड करोगे या इसको सेल करोगे तो ये कम हो जाएगी। ये है डेट नॉन बिजनेस। अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, अपनी फैमिली फ्रेंड से, और उस बंदे ने भी अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया है तो फिर आप डिक्लेयर करो, अगर उसने डिक्लेयर नहीं किया तो फिर आप ना करो, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ मिस्टर ए से हमने लोन लिया हुआ है, अब हमने भी लोन डिक्लेयर किया है और उसने भी लोन डिक्लेयर करना है, ठीक है, उसने कहाँ करना है, ठीक है, हमने ये लोन दिया हुआ है, सॉरी हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने यहाँ पे 1 मिलियन लोन मिस्टर ए को दिया हुआ है। अब मिस्टर ए अगर आपने रिकॉर्ड करना है लोन कि आपने लिया हुआ है तो आप ये क्रेडिट में जाकर रिकॉर्ड करोगे इधर, ठीक है, हमने क्योंकि दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन मैं वो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि फैमिली और फ्रेंड्स के जो लोन वगैरह हैं, जो आपके फिगर्स कोई कमेटी निकल गई, किसी ने पैसे दे दिए, तो वो यहाँ पे ना ही लिखें तो बेटर है। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं हमने प्रॉपर रिकॉर्ड करनी है, मैंने लोन दिया है, मैंने भी रिकॉर्ड किया, उसने लोन लिया उसने भी रिकॉर्ड किया, तो फिर आप यहाँ पे कर लें। मोटर व्हीकल, ये आप मोटर व्हीकल में आपके पास जितनी भी गाड़ियां हैं आपने गाड़ी का नंबर लिखना है, ठीक है, गाड़ी का नंबर लिख दें, उसका मॉडल बता दें, जितने की आपने ली है आप वो बता दें, यहाँ पे लिख दें, इसको कैलकुलेट करें, जितनी भी गाड़ियां हैं वन बाय वन आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई गाड़ी सेल की है तो यहाँ से उसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है, यहाँ से निकाल देना है उसको, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा आपको गाड़ी के ऊपर सेल करने का जो भी प्रॉफिट होगा, फर्ज किया मैं कहता हूँ ये 30 लाख की गाड़ी थी, पिछले साल मैंने 30 लाख की शो की थी, इस साल मैंने इसको 32 लाख का बेच दिया, तो आपने क्या करना है, इसको 30 लाख को यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दें यहाँ पे। अब ये जो 2 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है ना गाड़ी के ऊपर, आपने उसको यहाँ पे शो करना है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये 2 लाख का मुझे गेन हुआ था इसके ऊपर, मैंने यहाँ पे शो किया और इसको कैलकुलेट कर दें, जो गाड़ी मैंने सेल की थी वो 3 मिलियन की वैल्यू, उसको यहाँ पे शो कर दें। अब अगर ये 2 थी तो 2 को जमा करके कर लें, मतलब कहने का ये एंट्री ये होगी, ये मैंने आपको वेल्थ स्टेटमेंट में इसकी एंट्री होती है, मैंने आपको फिर भी बता दी है। अगर कोई गाड़ी सेल नहीं की, सिर्फ परचेज किया, तो यहाँ पे आप ऐड करते जाओगे, जितनी करनी है कर लें। प्रीशियस पोजेशन में आपके पास गोल्ड है, डायमंड है, ज्वेलरी है, वो यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी लिखें, सारा कुछ डिटेल लिखें, ठीक है, कि डायमंड है, ज्वेलरी है तो कितनी है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ये मैंने किया आपको बता दिया। अब ये हाउस होल्ड इफेक्ट, घर की चीज़ें होती हैं, आपके कपड़े, घर की चीज़ें, घर के रहने की, खाने पीने की जो भी चीज़ें होती है, फर्नीचर होता है, पूरे घर का जो सामान होता है, ये हाउस होल्ड इफेक्ट वो होता है। इसकी वैल्यू आपने जो है ना हर साल ज़्यादा ना नहीं करनी, अगर आपके पास बैलेंस बच रहा हो तो उसको कैश में जमा करते जाएं, इसको ज़्यादा ना करें, बस ठीक है, एक दफ़ा आपने लिख दिया, इसको ऐसे ऐसे ही चलते रहने दें। अनलेस कि आप घर की कोई रेनोवेशन करवाते हो, मतलब कोई इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन होती है, कोई आप 5-6 AC लेके आते हो, उसमें कोई और चीज़ें इंस्टॉल करवाते हो घर में, कोई ऐसा कुछ करते हो जिससे उसकी घर की चीज़ों की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तो इसको बढ़ा दें, अदरवाइज़ अपनी जो आपकी सेविंग है ना उसको कैश में बढ़ाते रहें। पर्सनल आइटम यहाँ पे आप लिखोगे, जो आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, ठीक है, जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप टोटल वैल्यू उसकी मेंशन कर सकते हो। कैश इन हैंड अगर आपके पास है तो भी लिखें, नहीं है तो भी लिखें, लेकिन इतना ज़्यादा ना लिखें जो कि अनजस्टिफाइबल हो, ठीक है, आप इतना ज़रूर लिखें कि कल को अगर अचानक कहीं से पैसे आ जाएँ तो आप उसको बैलेंस कर सको। उसके बाद एक और चीज़ है एसेट्स हेल्ड आउटसाइड, ये छोड़ दें, उसके बाद है जी एसेट्स इन अदर नेम। अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे
अगर आपने अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे कोई प्लॉट लिया हुआ है, उनकी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं है या वो रिटर्न नहीं फाइल करते, तो आप अपनी रिटर्न में उसको डिक्लेयर कर सकते हो, प्लॉट ऑन सन नेम आपने प्लॉट का एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिख देना, ये मैंने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब उसकी जो वैल्यू है आप यहाँ पे लिख लें, मतलब ये कि आपने अपना कोई एसेट छोड़ना नहीं, आपने अपने नाम पे रखा हुआ है, अपने भाई के नाम पे रखा हुआ है। बाज़ दफ़ा नॉन रेजिडेंट के केस में ये होता है कि प्रॉपर्टी उनकी होती है, उन्होंने अपने भाई के नाम ली होती है, क्योंकि वो रजिस्ट्री के वक्त मौजूद नहीं होते। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके वो सारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो, ऑन ब्रदर नेम, ऑन सिस्टर नेम, ऑन वाइफ नेम, लेकिन आपने डिक्लेयर ज़रूर करनी है। अब इसके अलावा कोई और एसेट रह जाता है जो ऊपर शो नहीं किधर किया आपने, तो आप एनी अदर एसेट्स में यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ठीक है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह है तो वो ऊपर आ जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, जो इन्वेस्टमेंट है, बैंक अकाउंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है जिसमें इन्वेस्टमेंट है, वो सारे इधर ही आएंगे। इसके अलावा कोई चीज़ बच जाती है तो वो एनी अदर एसेट्स में आ जाएगी। अब ये उसके बाद नीचे नीचे आ जाता है क्रेडिट का सेक्शन, ये मैंने आपको बताया था। अब आपने किसी से लोन लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है, किसी पर्सन से लिया हुआ है, तो वो यहाँ पे आपने शो करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ हमने मिजान बैंक से हाउस लोन लिया हुआ है, ओके। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखनी है तो लिख दें। अब 30 जून वाले दिन जितना बैलेंस आपने पे करना था, ये आपने वो अमाउंट रिमेनिंग बतानी है कि अब जैसे मैं 2023 की फाइल कर रहा हूँ, तो 30 जून 2023 को मैंने आगे अब कितना लोन पेएबल बैलेंस है मेरे पास, फर्ज किया मैं कहता हूँ 5 मिलियन रिमेनिंग है बैलेंस अभी जो मैंने पे करना है, वो यहाँ पे लिखना है। रिमेनिंग बैलेंस लिखना है 30 जून वाले दिन जिस साल की भी रिटर्न फाइल कर रहे हो। अगर मैं 30 जून 2022 की रिटर्न फाइल कर रहा होता, ठीक है, तो मैं रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे वो 30 जून 2022 का लिखता। 2023 की फाइल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे, क्योंकि अब 2023 फर्क कर रहा हूँ, तो पिछले साल अगर था तो वो इस साल कम हो जाता क्योंकि मैंने पेमेंट की थी। तो आपने रिमेनिंग बैलेंस लिखना है, आपने इसको कैलकुलेट कर देना। उसके बाद आपने आना है रिकन्सिलेशन पे। अब रिकन्सिलेशन पे अगर तो देखें, आपको मैंने बता दिया कि आपने इनकम अपनी यहाँ पे लिखनी है, नॉर्मल किधर आएगी रिटर्न से, एग्जेम्प्ट इधर आ जाएगी, फाइनल किधर आ जाएगी। अगर आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो और आपने अपनी इनकम वगैरह डाल दी, एक्सपेंस डाल दिया, तो यहाँ पे ये फिगर प्लस में ही आनी चाहिए। अब ये फिगर अगर प्लस में आई है तो आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है क्योंकि ये खाली होगा, और इसको कैलकुलेट कर देना है, तो आपकी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो हो जाएगी, ओके। अब अगर ये प्लस में नहीं आ रही, पिछले साल भी आपने फाइल की थी, तो आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो यही आएगा, इसको आपने छेड़ना नहीं, इसको नहीं आपने बिल्कुल चेंज करना, क्योंकि वो पिछला बैलेंस ख़राब हो जाएगा आपका और ये सिस्टम करने भी नहीं देगा आपको। अच्छा, अब ये आप फ़र्ज़ किया फाइल कर रहे हो, तो अब इसके बीच में आप और भी, अब जैसे रिमिटेंस है बाहर से, जो भी रिमिटेंस आपने भेजी अपने अकाउंट में, या आप किसी की, जैसे आप अगर वाइफ की रिटर्न है ये, तो अगर उनके हस्बैंड ने बाहर से पैसे भेजे, किसी ने भी आपके अकाउंट में बाहर से पैसे भेजे हैं, अगर तो वो 50 लाख तक की अमाउंट है, तो फिर तो आपसे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा कि किसने भेजे, क्यों भेजे, कैसे, बस बैंक में आने चाहिए। तो आपने रिमिटेंस जितनी भी आई है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, और उसका आपके पास थोड़ा प्रूफ होना चाहिए कि बैंक में आए और क्यों आए। उसके बाद इनहेरिटेंस में अगर ड्यूरिंग द पीरियड आपके पास कोई पैसे आए हैं या कोई प्रॉपर्टी आई है, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो, या ड्यूरिंग द पीरियड आपको किसी ने जी। इसके बाद अगर आपके पास ड्यूरिंग द पीरियड कोई रिमिटेंस आई है, 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक आपके अकाउंट में बाहर से पैसे आए हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने लिखना है, गिफ्ट इधर आएगा आपका। ये सारी आपने वेल्थ स्टेटमेंट में चीज़ें नोट कर लेनी है, और ये अमाउंट जो है ना आपने, ये नेगेटिव में आएगी आपकी अमाउंट, अगर आपने पिछली दफ़ा भी फाइल किया, जो नेगेटिव में अमाउंट आएगी, क्योंकि मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि जब आप दूसरी तीसरी दफ़ा अपनी वेल्थ फाइल करो, तो वेल्थ फाइल करते हुए कैश को आपने पहले ही ज़ीरो कर लेना है, पहले ज़ीरो कर ले, ताकि जो आपकी एडजस्टमेंट है वो ठीक तरीके से हो जाए। उसके बाद जब आप रिकन्सिलेशन में आओगे ना, तो ये अमाउंट आपकी नेगेटिव में ही आ रही होगी, क्योंकि अगर पहले आपने फाइल की है तो ये पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए, ये नेगेटिव में आनी चाहिए, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव में आएगी। तो अगर ये फर्स्ट टाइम आप मतलब आपकी पॉजिटिव में आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने इनफ्लो कम शो किया है, अपनी इनकम कम शो की है, और अपने जो एसेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो आप देखो कि आपके एसेट्स में पैसे कहाँ से आए, क्योंकि इनकम तो आपकी कम थी, तो इसका मतलब आप कोई ना कोई चीज़ गलत कर रहे हो।
अगर ये नेगेटिव में है तो आप इसको यहाँ से कॉपी करें और अपने कैश में पेस्ट कर दें, या ये अमाउंट अगर आप कैश में नहीं डालना चाहते तो इसको आप एक्सपेंस में भी लिखोगे तो ये आपका जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो जीरो हो जाएगी। ये देखें अब ये जीरो हो जाएगी। अगर आपने कैश, आपको लगे कि कैश मेरा ज़्यादा हो गया, जैसे अब यहाँ पे 23 लाख आ रहा है, आपको लगे कैश ज़्यादा हो गया तो आप इसमें से 1 लाख कम कर दें, 2 लाख, 5 लाख कम करें, उसको यहाँ पे एक्सपेंस में प्लस कर दें, एक्सपेंस को उतने अमाउंट से बढ़ा दें तो भी आपका कैश कम हो जाएगा और ये जो आपका है बैलेंस ये अनरिकनसाइल्ड जीरो ही रहेगा। अब वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।